पिक्चर्स वगैरह थी ना डी पर थी, यहीं पे थी, ओपन ही आए, शाहरुख खान आमिर खान लड़की नहीं पड़ी हुई थी। ये एडिटिंग किया किसी ने? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, चैनल्स खोल रहा हूँ फोटोशॉप में। क्या खोल रहा हूँ पढ़े हैं? चैनल। चैनल में ये होता है कि नया चैनल लूँगा ना तो अल्फ़ा कहलाएगा, ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन। अब होता यह है कि अल्फ़ा चैनल का मकसद यह है, मैं डिलीट कर रहा हूँ अल्फ़ा चैनल को, वापस लेयर में आ गया। मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ कि तस्वीर को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इतने एरिया सेलेक्ट कर लिया, सही है। सेलेक्ट हो गया, फैदर भी कर दीजिए। उसके बाद चैनल में मैं आया और न्यू चैनल लिया। न्यू चैनल में एडिट फिल ब्लैक। देखिए चैनल में जो चीज़ ब्लैक पर होगी वो नज़र नहीं आएगी, जो वाइट पर होगी वो ये चैनल ये सपोर्ट देगा। मतलब इमेज में आपको कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई लेयर नहीं, लेकिन चैनल मौजूद है ये, इसलिए क्या होगा आपकी सपोर्ट जाएगी। आपने देखे चैनल बना हुआ है आपका, आप इस फाइल को सेव कीजिए और दो फॉर्मेट में सेव कीजिए। पहले टिफ में सेव करता हूँ, मैं टिफ ज़्यादा सपोर्ट करता है उसको, तो डेस्कटॉप पे नहीं बल्कि ई पे ले लेते हैं फाइल को। ई पे 7500 के नाम से टिप फाइल सेव कर दी मैंने, ठीक है, और ओके कर दिया। प्रीमियर पे एक कलर मैट बनाते हैं, बैकग्राउंड एक मैट, कलर मैट का मतलब एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ किसी भी कलर का, सही है, और वो यहाँ रख रहा हूँ ताकि इसके ऊपर लाके वो इमेज रखूँगा, सही है। अच्छा अब इंपोर्ट करता हूँ ई पे जो फाइल बनाई है मैंने, सेवेंटी फाइव हंड्रेड के नाम से इसे ला के रखता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि आपने देखा बैकग्राउंड नहीं आया, मतलब जो ब्लैक में एरिया था वो नहीं आया। अच्छा अब आप ये कह सकते हो कि इसका फ़ायदा क्या है, सवाल अपनी जगह ठीक है, फ़ायदा क्या है, ये तो लेयर बना के भी ला सकता था। नहीं समझे बात, बात को समझे मेरे भाई, ये भी तो हो सकता था। बस इस तस्वीर को कॉपी पेस्ट कर देता, कॉपी और पेस्ट लेयर बन जाती है और ये लेयर इंपोर्ट कर लेता, क्या ख्याल है? लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क यह है कि वो अल्फा बनकर आया है ये, और जब अल्फा बनकर आती है कोई चीज़ तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह अप्लाई होते हैं, जैसे बेवल अल्फा। अब जैसे इसका बैकग्राउंड नीचे वाले बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ, अब आमिर खान की तस्वीर पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, विंडो में इफ़ेक्ट्स खोलता हूँ, यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर स्टाइलाइज में अल्फा ग्लो, देखा आपने? अब अल्फा ग्लो वैसे भी अप्लाई हो जाएगा डालोगे, लेकिन जब अल्फा के साथ डालोगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा।
क्या वैल्यू हो रही है। ये देखो ग्लो हो रहा है, देखो ग्लोइंग हो गई। अब जितना इमेज कटा, अब अगर कोई टेक्स्ट लिख के ले आऊं मैं और उसको भी मतलब अल्फा में रखूं और फिर ग्लो करूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप पर आकर आपने वाइट कर लिया चैनल। फाइल सेव है, स्टेप ई पर 10 के नाम से फाइल सेव कर लो। ई पर कौन सी फाइल थी भाई, 10 के नाम से 10 फाइल है, 10 के नाम ये रही, ये देखो है ना, इसका मतलब है लेयर सिर्फ ग्लो ही आया है ना, बाकी तो कट गई लेयर, वरना तो छुप जाती है महंगी तस्वीर, है ना। अच्छा अब ये जो है ग्लो, इसका इफेक्ट डाले आमिर खान का जो ग्लो है अल्फा ग्लो, इसे यहाँ से कट कर लें, हटा दें यहाँ से और इस पर डाल दें, इफेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, सही है। देखो अब ये देखो ग्लो देखो इसका आप।